डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ DDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ DDM। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए SST में जियोग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की अक्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि पर्यावरण में जो भी वस्तु होती है जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण अनेकों प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि, ये सभी जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन, ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जैसे कि मृदा, धातुएं और चट्टाने, ये अजैव संसाधन होते हैं। नंबर 2, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी कि नवीकरणीय जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर, पवन, जवारीय ऊर्जा व जल ऊर्जा एवं वन एवं वन्य जीव। इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। नंबर 2, अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि खनिज, जीवाश्म ईंधन, लौह अयस्क आदि। तो इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कि चार टाइप दिए गए हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कैसे होते हैं, जैसे बागान, चारागाह भूमि, तालाब और कुएं, यह व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत यानी कि किसी व्यक्तिगत विशेष के संसाधन होते हैं, उसके अधीन होते हैं। नंबर 2, सामुदायिक संसाधन, जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान भूमि तथा शहरों में सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, जहां पर सभी लोगों का अधिकार होता है। नंबर 3, राष्ट्रीय संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंदर की संपूर्ण भूमि। जितनी भी भूमि होती है राजनीतिक सीमा के अंदर की, उसमें जितने भी प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं, वह सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आते हैं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले सागरीय संसाधन आदि। यानी कि 200 किलोमीटर तक का तो होता है एक किसी देश का एरिया समुद्र सागरों में, लेकिन उसके बाद के जो बाकी बचते हैं खुले महासागर, वह सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, यानी कि सभी के हिस्से के होते हैं। नेक्स्ट, विकास के आधार पर कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन क्या होते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है, परंतु इसका उचित विकास नहीं हुआ है। यानी कि जिसका हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें हमें अनेकों प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं।
विकसित संसाधन, विकसित संसाधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इसके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि कहीं कहीं पर विकसित हो चुके हैं, हो चुके हैं। तो इन संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से देशों के अंदर, विदेशों के अंदर विकास संभावना होती है। जैसे कि अमेरिका में और अरब देशों में तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। नंबर 3, भंडार। जैसे जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। यानी कि हमारे पास भंडार है, लेकिन उसका हम अपने हिसाब से जो यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अनेकों अनेकों संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन हमारी तकनीकी की वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे भंडार कहते हैं। संचित कोष, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो इन्हें हम संचित कोष कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संसाधनों का विकास क्यों ज़रूरी है, संसाधनों की नियोजन प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है। थैंक यू।